हेलो गाइस, माय नेम इज शादाब। मैं हूं अभी जयपुर में अमजद भाई के साथ। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से अमजद भाई? अल्लाह करम है, दुआ। अमजद भाई, अभी जयपुर में अपन कौन सी जगह पे आ गए? जयपुर में अपने आरिफ भाई है, मतलब माशाल्लाह सबसे पुराने है, मतलब बकरेबाजी में, मतलब जयपुर के अंदर बहुत पुराना शौक है। पुराने हैं और मैं भी यहाँ से सीखा हूँ। अच्छा, आपने भी जो बकरेबाजी में अभी तक जो सीखा है यहीं से सीखा? यहाँ से सीखा, जैसे छोटे बच्चे ले जाता था भाई से मैं। ये आरिफ भाई, आरिफ भाई मिलवाएं आप भाई से भी हमें। जयपुर की शान है माशाल्लाह। वालेकुम सलाम। बस शोबाजी में ज्यादा नहीं रहते, अपना सुकून से काम करते हैं। थोड़ा सा शाही नेचर है वीडियो में, मैंने नहीं देखा कभी कि वीडियो बनवाई हो या आए हो। कब से है आरिफ भाई ये शौक आपको? हमारी तो पीढ़ियों से शौक है। मैंने आँख खोली, हमारे घर में बकरा बकरी, दुम्बे, बकरे, घोड़े सभी देखे जी। तो आप भी शौक को कंटिन्यू रखे हुए हैं? कंटिन्यू रखे हुए। ठीक है, कितने जानवर हैं अपने पास अभी? 10-15 जानवर होंगे बकरा बकरी। कौन कौन सी नस्ल के अंदर है? सोजत है, पंजाब है जी। और माशाल्लाह जो मतलब बकरियां देख रहा हूँ मैं, क्वालिटी की बहुत कम अभी तक देखने को मिली। जैसे कि अमजद भाई इस बकरी को आगे लेके आइए, सोजत के अंदर माशाल्लाह इतना बड़ा साइज बकरी का, और प्लस इतनी हेवी बकरी, नहीं तो मैंने आज तक देखी जो बकरी है वो देखी बांगड़ बकरी है, बिना बच्चा देने वाली। लेकिन ये ब्रीडिंग करती है ना? ब्रीडिंग करती है। अभी दो बच्चे हुए थे इसके, दो बच्चे एक टाइम में, एक नर मर गया, एक मादी नेगी इसकी। माशाल्लाह मादी नेगी। कितने वजन पे होगी अगर वजन की बात करें तो? वजन होगा इसका, जिंदा वजन होगा 100 किलो के आसपास। 100 किलो के आसपास बकरी का ही वजन होगा। ये बच्चा जो घूम रहा है इसी का है? हाँ, ये बच्चा इसी। माशाल्लाह। ब्रीडर को भी आगे निकालो अमजद भाई, इसका भी शौक करें। माशाल्लाह। सोजत ही ये प्योर है? ये पेवर सोजत है। क्या हाइट का बच्चा है ये? 41-42 होगा ये। 41-42 इंच की हाइट है। और वजन बकरे में? वजन इसका 100+ होगा। जिंदा का वजन होगा 130-140 किलो, 30 किलो आराम से इतना होना चाहिए। तो आरिफ भाई अभी ये ब्रीडिंग के लिए रख रखे जानवर या सेल भी करना है? सेल भी कर देते हैं, ब्रीडिंग भी रख रखा है। अच्छा, मतलब 10-15 जानवर अपने पास एट ए टाइम रहते ही हैं। हाँ, इसमें सेल भी कर देते हैं कभी कोई लगता है तो। हाँ, माशाल्लाह। और भी है अंदर जानवर? ये पंजाब का बच्चा, पंजाब वाला बच्चा दिखाओ, उठा के वो पंजाब की बकरी। माशाल्लाह यार, पंजाबी में भी बहुत शानदार अच्छे कान लेके आया है बच्चा ये। क्या कितने महीने का है भाई ये? हो गया 21 दिन का हो गया ये। 21 दिन का है माशाल्लाह। ये बहुत जबरदस्त ब्लड लाइन है माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। तो ब्रीडर भी अपने पास है अभी पंजाब का? इसका ब्रीडर मर गया अभी। अच्छा, इसका ब्रीडर भी था। हाँ, क्या वजह रही क्यों मर गया? इसकी बकरे लड़े थे, इसकी कोने की लग गई पलंग के। अरे रे 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 रे। सेंड हो गया। तो आप जानवरों को बांध के नहीं रखते इसी खुले? नहीं, खुले रखते हैं, बाड़ों में चले जाते, खुद ही बैठते हैं। आइए अंदर भी देखते हैं जानवर। माशाल्लाह, ये फीमेल है, ये भी बहुत पंजाबन है। लोड लग रही है अभी ये? हाँ। कितने टाइम की है ये? ब्याई 20-25 दिन में आ जाएगी, मतलब बच्चा देने पे ये अभी। हाँ। बहुत बढ़िया। कब से है आपके पास ये फीमेल? ये फीमेल है मेरे पास साल, 2 साल हो गए, 1.5 साल। माशाल्लाह यार, पंजाबी भी जो है अमजद भाई बहुत शानदार क्वालिटी के हैं, मतलब ब्लड लाइन अलग है पंजाबियों की। क्वालिटी आती है, बहुत सारी क्वालिटी आती है, अलग अलग क्वालिटी आती है, ब्लड लाइन का फर्क रहता है थोड़ा सा, समझने वाला होना चाहिए जी। नहीं तो एक पंजाबी बहुत कॉमन होता है गुजरी का, और इनको अजमेरे का, सबसे टॉप क्वालिटी में इनको पसंद है चीना। चीना बकरे? चीना बहुत पसंद है बच्चे से, चीना भी कुर्बानी। लेकिन अभी दिख नहीं रहा कोई चीना बकरा, अभी बेच दिए इन्होंने सारे, बेच दिए अभी। माशाल्लाह, शौक के हिसाब से। बाकी बकरे इनके पास में अभी बड़े बड़े रहते हैं। अच्छा, ये अधंत बच्चे ही दिख रहे हैं सब? हाँ, अधंत बच्चे हैं। पंजाबी है पीछे वाला, ये भी पंजाबी है। क्या किलो पे होगा ये? कितना होगा वजन में? ये हो गए 9-10 महीने के हो गए। उम्र 10-10 महीने? हाँ, 55-60 किलो होंगे आराम से। हाँ, आराम से 55-60 किलो। बहुत शानदार। तो है अभी सेल के लिए है जानवर ये? अगर कोई मांगेगा तो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोई मांगेगा तो सेल भी कर देंगे, वरना शौक के पर्पज से अपन दें। वीडियो भी शौक के पर्पज से ही बना रहे हैं अपन, नहीं बना रहे बस। बिल्कुल बिल्कुल। खास तौर से अमजद भाई ये फीमेल मुझे बहुत पसंद आई, बहुत शानदार क्वालिटी में, अल्लाह नजर से बचाए इसे। और अभी कितने टाइम तक ब्रीडिंग मिल सकती है इससे? करेगी तो 5-7 दफा और करेगी तो 4 बार। माशाल्लाह, जवानी है। अच्छा, 3 साल की होगी, 3-3.5 साल की। आपने कहाँ से परचेज की? घर की बच्ची है मेरे, घर की बच्ची का ना रहे, घर की मादी। माशाल्लाह। तो अभी डाइट वगैरह में क्या दे रहा है इनको, क्या खिलाते हैं आप? चारा खिलाते हैं, एडू का चारा है, लूम है, बाजरा है, जो है,
जैसे चारा तो मुझे अभी चारों तरफ दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि आप एनी टाइम चारा बांध के ही रखते हो। ठीक है, और अनाज में क्या क्या दे रहे हैं अभी बाजरा सर्दियों में? हाँ, बाजरा दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं, दाना मेथी दे रहे हैं। माशाल्लाह, रोटी तो सर्दियों के हिसाब से थोड़ी सी डाइट चेंज होती रहती होगी। हाँ, बाजरा देते हैं सर्दियों में ज्यादा जी, बाजरा, तिल्ली का तेल। आइए एक नजर और जानवरों को देख लेते हैं। ये भी घर का बच्चा, सो जत का उसका, वो बड़ी बकरी का ये? हाँ, इस वाली का है, इस वाली का है। बहुत शानदार, मेरे ख्याल से बकरे का बच्चा अभी ये कम से कम होगा 25 किलो का, 20-25 किलो आराम से, 25 किलो ये हो गया डेढ़ महीने का, सवा महीने का हो गया ये। लेकिन ये कम से कम अभी 2 साल तक और पलेगा जब जाके बड़ा बकरा बनेगा ये, क्योंकि ब्लड लाइन ये भी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है। अभी अमजद भाई, जो लोग मतलब जानवर रखते हैं वो ब्लड लाइन को समझ सकते हैं। अच्छी चीज लो, मैंने पहले भी यही कहा है, एक बार महंगी आएगी, अच्छी चीज लोगे तो आगे जाके आपको अच्छी बनेगी, चीज बनेगी। सही बात है। अब ये लेके आते हैं, क्वालिटी क्वालिटी आते हैं जी जी, सोना सोने के बाद बिकता, लोहे लोहे के बाद बिकता। बिल्कुल सही बात है, समझने वाला होना चाहिए बस क्वालिटी को। ठीक है, अभी ये सारे जानवर माशाल्लाह देख लिए और बेहतरीन शो कराया अमजद भाई, फर्स्ट टाइम कवर किए लेकिन मजा आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।